सभी पक्षी बारिश के दौरान आसरा पाते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर जाकर उड़ता है। समस्या एक समान, लेकिन बचने का तरीका नहीं। हमारी भी जिंदगी में समस्या बहुत सारी है, लेकिन बचने का तरीका सिर्फ अलग है। हम किस तरह से बचते हैं? तोता बोलता बहुत है, लेकिन करता कुछ नहीं है। बाज बोलता कुछ नहीं है, लेकिन करता बहुत कुछ है। बारिश समय इस बात की सीख मिलती है कि जिंदगी में बोलना कम चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। बाज में वो हौसला होता है कि वो अकेले ही आसमान को छूने की ताकत रखता है। बाज अपना शिकार 3 किलोमीटर दूर से देख लेता है और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देता है। बाज की इस बात से हमको भी सीख मिलती है कि अगर गोल स्पष्ट हो तो पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अपनी सफलता का जश्न जरूर मनाइए, लेकिन जब विपत्ति आए तो उसका डट कर सामना कीजिए। जब तूफान के बादल छा जाते हैं तो चीले हमेशा आकाश के ऊपर उड़ जाती हैं, लेकिन सभी पक्षी आसरा ढूंढते हैं। तो जिंदगी में जब भी असफलता आए, जब भी विपत्ति आए, तो घबराना नहीं, उनका डट के सामना करना चाहिए। बाज हमेशा तूफानों में हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है और वो सफलता पा लेता है, वो आसमान के ऊपर जाकर उड़ता है। हमारी भी जिंदगी में समस्या सेम है, लेकिन बचने का तरीका अलग है। हम उन समस्याओं का, उन आपत्तियों का किस तरह से सामना करते हैं? बाज हमेशा तूफान की नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करता है और बहुत ऊंचा उठता है। हमको अब अपने जिंदगी में एक निडर बनने की कोशिश करना चाहिए। बाज की तरह तूफान की तरह उस तूफान की ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। नकारात्मक सोचों को नहीं, उसको सकारात्मक बदलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बाज कभी भी तूफानों से डरता नहीं, अपने पंख को फैलाता है और ऊंची उड़ाने उड़ता है। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो ना जो कहती है। क्या खूब नजारा है इस अनजान दुनिया का, लोग खाली हाथ जाने के लिए सब कुछ बटोर लेते हैं। गुजरते दिनों का नहीं यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। S20 मोटिवेशनल।